हाय एवरीवन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले यूनिट से, और लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 11.23 तक हमने करा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11.24। लिखा हुआ राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये नाम भूलना नहीं है। इथर पढ़ोगे तो फिर ये नाम नहीं भूलना है, बस विलियमसन सिंथेसिस। इस मेथड का इस्तेमाल करके कुछ ईथर्स का फॉर्मेशन करना है, जैसे 1-propoxy propane बनाना है, जैसे इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, और भी हैं दो, उसको लिखेंगे पहले। इतना देखो, देखो एक जनरल इक्वेशन क्या पढ़े हम लोग विलियमसन सिंथेसिस का। एक जनरल इक्वेशन हमने कुछ इस तरह से पढ़ा है कि अल्कली मेटल अल्कोक्साइड लिया जाता है, उसका रिएक्शन हेलाइट से करवाते हैं। यहाँ माइनस प्लस बेसिकली यह इलेक्ट्रोफाइल है, हेलाइड, और यह जो अल्कोक्सी पार्ट होता है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहाँ से बाहर होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN1 SN2 डिसाइड हो गया, यहाँ से दोनों हो सकता है। मोस्टली SN2 यदि आप प्राइमरी है, अब जनरली प्राइमरी ही रहता है तो मोस्टली SN2 फॉलो करेगा। और ये RO R′ + KX ईथर। अब इसमें जो कंडीशन हमने पढ़ा था बस उसको लिखोगे कि यहाँ R′ के जगह CH3 लिया जा सकता है, 1° अल्काइल लिया जा सकता है, इसमें एलाइल लिया जा सकता है, बेंजाइल लिया जा सकता है। लिमिटेड है यहाँ CH3, 1° अल्काइल, एलाइल और बेंजाइल, मोस्टली ये लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, आर के जगह क्या नहीं ले सकते हैं वो भी तो देखो। यहाँ 2°, 3° अल्काइल नहीं लेना है, यहाँ एराइल नहीं लेना है, यहाँ विनाइल नहीं लेना है, ये सबसे काम नहीं चलेगा, ये सब लेना ही नहीं है। और इसमें कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, जो मन है ले लो। अच्छा, तो उस हिसाब से यदि चलोगे तो देखो, यहाँ जो तुम्हें बनाना है 1-propoxy propane, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। 1-propoxy propane मतलब कि कुछ ऐसा बनाना है, और इस तरह का ईथर बनाना है। इसका मतलब देख सकते हो यहाँ कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले जो ग्रुप्स हैं ये प्राइमरी है, AB 1° है AB 1° है। अभी 1° ग्रुप तुम यहाँ हेलाइड का भी पार्ट बना सकते हो और यहाँ अल्कोक्सी का भी पार्ट बना सकते हो, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल वाला। तो ये जो दोनों तरफ प्रोपाइल है इसमें से किसी को कुछ बना दो, क्या ही दिक्कत है, दोनों 1° है तो चलेगा, किसी को भी कुछ बना सकते हो। तो यहाँ से ऐसे ले करके चलोगे, इक्वेशन भी चूँकि लिखना है तो डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं ऐसा। यहाँ सोडियम पोटासियम कुछ भी ले लोगे, पोटेशियम N-propoxide, और इसका रिएक्शन N-propyl हेलाइड से करवा दो, N-propyl क्लोराइड, ये बाहर ये यहाँ से अटैक करेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 बन गया। ये इक्वेशन लिखना है तो रिएजेंट इसमें पता चल गया ना, रिएजेंट पता चल गया यहाँ से, या पोटासियम एन प्रोपोक्साइड रिएजेंट, इसको सबस्ट्रेट मान करके चलोगे हो जाएगा। नेक्स्ट बनाना है इथॉक्सी बेंजीन। अब इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन तुम्हें करना है, मतलब कि कुछ ऐसा, ए ऐसा। ओ के एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, एक तरफ अल्काइल है इथाइल, 1° ये 1° है और ये वाला एराइल है। अब यहाँ से चलो देख करके, हेलाइड में एराइल नहीं हो सकता है, यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ एराइल नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये जो बेंजीन है वो हेलाइड का पार्ट नहीं होगा, वो होगा अल्कोक्साइड का पार्ट, इसे हेलाइड लेना है।
है ना, वजह हम जान रहे हैं तो बार बार वजह को एक्सप्लेन नहीं करना है। कई बार पीछे इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते समय भी एक्सप्लेन किया गया इस चीज़ को। तो यहाँ इसको अल्कोक्साइड बना करके ले लो, पोटेशियम फिनोक्साइड ऐसा, और यहाँ ले लो इथाइल हैलाइड। तो ये बाहर माइनस, यहाँ प्लस, और अब जा कर के ही अटैक करेगा यहाँ ऐसा, और बेंजीन में जा कर के ऑक्सीजन से ही हो CH2CH3 ऐसा, इथॉक्सी बेंजीन। उल्टा नहीं ले सकते हो, उल्टा नहीं ले सकते हो का मतलब ऐसा कि आप इस रिएक्शन को करवाने के लिए ये काम नहीं करोगे कभी, ये O माइनस के प्लस, और यहाँ बेंजीन में क्लोरीन नहीं लोगे ऐसा, ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ और यहाँ ना, कभी नहीं। हेलाइड है ना, रेजोनेंस होता है यहाँ, रेजोनेंस होता है तो फिर डबल बॉन्ड आता है, आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए तो पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ एराइल लेना ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करोगे, इसका यूज़ करोगे तब जा कर के बनेगा। दो क्वेश्चन और है इसमें, बस मेन कंडीशन को याद रखना ना, विलियमसन सिंथेसिस वाला जो उधर बताया, उसके बाद किसी भी तरह का इथर बनाना रहेगा तुम आसानी से इसको कर लोगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में जो हमें बनाना है, 2-methoxy-2-methyl-propane, 2-methoxy-2-methyl-propane इसका फॉर्मेशन करना है विलियमसन सिंथेसिस से। पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसका, 2-methyl-2-methoxy-propane कुछ ऐसा बनना चाहिए, OCH3 ऐसा। बस इसमें ऑक्सीजन देखो और इसके अगल बगल वाले दोनों ग्रुप्स के नेचर को देखो, दैट्स इट। ऑक्सीजन, ए वाला कार्बन मिथाइल है 0 डिग्री, और इधर इसको देखोगे तो ये टर्शियरी है 3 डिग्री। यहाँ जैसा बता चुके हैं कि टर्शियरी हेलाइड का पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको अल्कोक्साइड लेना होगा, ऐसा लेकर के चलना होगा इस रिएक्शन को इस तरह से, CH3 O-Na+ + CH3 Cl ऐसा लेके चलना होगा। तब जा कर के यहाँ से ये हैलोजन बाहर होएगा, ये इस पर अटैक करेगा, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बनेगा। मतलब ये आप लिए हो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और ये है क्लोरोमीथेन। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CCH3 CH3 O CH3 ऐसा। हाँ, यदि इसका उल्टा तुम लोगे तब तो फिर एकदम बेकार से हो जाएगा ना। यदि तुम ऐसा लेते हो, यहाँ सोडियम मिथॉक्साइड लेते हो और यहाँ इस्तेमाल करते हो टर्शियरी हेलाइड का, अब चूँकि रिएक्शन का SN2 होना है, अब SN2 हम जानते हैं कि 3 डिग्री में किसी भी कीमत पे SN2 होता नहीं है, हिंडरेंस वजह है, तो SN2 तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, उसके बदले में एलिमिनेशन हो जाएगा। एक ग्रुप यहाँ से हटेगा और ये जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है शिफ्ट करेगा और ये जा करके हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हेलाइड बना देगा अल्कीन जैसा, CH2 CCH3 CH3 ऐसा। तो ये गलत है, ये आपको नहीं लेना है, ऐसे चलना है। मैं वजह भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, यही इसमें मेन है ना, विलियमसन सिंथेसिस में जो है यही मेन बात है,
कि देखना होता है हमें कि कौन सा हेलाइड लें, कौन सा अल्कोक्साइड लें। तब नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1-methoxy ethane क्या होता है, कुछ भी लिख देता है, मिथॉक्सी इथेन काफ़ी है। 1-methoxy ethane क्या होता है इसमें? ये चीज़ बनाना है तुम्हें, ऐसा ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले ग्रुप्स को देखो, राइट साइड में तो यह मिथाइल है 0 degree का, लेफ्ट साइड में ये आ गया 1 degree का। अब 0 degree 1 degree तो यहाँ तो दोनों चलेगा ना, हेलाइड में दोनों लिया जा सकता है, चलेगा, किसी को भी कुछ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बेटर ये रहेगा कि जब ऐसे दोनों ग्रुप हेलाइड के लाइक हों तो प्रयास करोगे कि जो स्मॉल ग्रुप है उसे आप हेलाइड बनाओ, उससे आप क्या बनाओ, हेलाइड बनाओ, है ना, ज़्यादा बेहतर वही होगा, इससे अल्कोक्साइड उससे हेलाइड। ऐसा नहीं है कि उल्टा करने से यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, बाकियों में तो नहीं हो रहा था, इसमें हो जाएगा, तो ऐसा ज़्यादा बेहतर है। आप पोटासियम इथॉक्साइड ले लो और यहाँ CH3Cl, तो ये निकलेगा, ये इस पर अटैक करेगा CH3CH2OCH3+KCl। इसका उल्टा लेने से नहीं होगा क्या, होगा, लेकिन थोड़ा सा खतरा पैदा रहेगा कि कहीं अल्कीन ना बन जाए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 degree वैसे ही SN2 करता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि इसमें से भी इससे बेहतर SN2 इसके साथ हो सकता है, तो चलेगा, यहाँ से भी ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन बताएं कि एक खतरा यहाँ रहेगा क्या, कि हो सकता है कि यहाँ ना जा करके इसके हाइड्रोजन को ले ले तो फिर अल्कीन बन जाएगा, यहाँ अटैक किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा, लेकिन कहीं नज़र इसका हाइड्रोजन पे पड़ा तो फिर सारा चीज़ उल्टा पड़ जाएगा, फिर ये चीज़ बनने वाला है। इथिन तो रिस्क क्यों लेना, इसे इस्तेमाल करो आप ना, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करो, 5 हो जाएगा, रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अब क्या कह रहा है इसमें, जरा उसे देखें। 11.25 अगेन विलियमसन सिंथेसिस की ही बात करी है इसने, 11.25 में है क्या, 11.25 कह रहा है कि illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain type of ethers. इसका limitation लिखना है, मोटा मोटी Williamson synthesis का limitation लिखना है, अभी तो बता ही दिए, limitation लिखना है, limitation, तो इसमें limitation में लिखोगे क्या कि although the Williamson synthesis is useful for the preparation of all types of ethers, all types of ethers कहने का मतलब वो आप symmetrical ether बना सकते हो इससे, unsymmetrical ether भी बना सकते हो इससे, और कहीं ना कहीं आप इससे aromatic ether भी बना सकते हो but 2 degree
3 डिग्री अल्काइल हेलाइड एंड एराइल विनाइल हेलाइड कांट बी यूज्ड। इतना बात आप लिखोगे कि यद्यपि विलियमसन सिंथेसिस बड़ा ही उपयोगी है किसी भी तरह के इथर को बनाने के लिए, चाहे वह सिमेट्रिकल इथर हो, अनसिमेट्रिकल इथर हो, एरोमेटिक इथर हो, लेकिन इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड एराइल और फिनाइल हेलाइड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, कांट बी यूज्ड। क्यों? अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। और इस बात को कैसे एक्सप्लेन करना है कि इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड्स एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट द SN2 रिएक्शन ड्यू टू हिंडरेंस या स्टेरिक हिंडरेंस। एक ही बात कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड लेते हो तो फिर वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करेगा SN2 को, क्योंकि 2 और 3 डिग्री में फिर वहाँ से हिंडरेंस बढ़ जाता है। एक एग्जांपल दिखा दोगे कि यदि हम टर्शियरी हेलाइड यहाँ से ले भी रहे हैं, भाई ऐसा कुछ टर्शियरी हेलाइड ले भी रहे हैं और यहाँ कोई भी एक नॉर्मल सा अल्कोक्साइड ले लोगे, ठीक है। अब इसको दिखा दोगे कि चूँकि यह 3 डिग्री ग्रुप है तो इसके लिए यहाँ अटैक हो पाना मुश्किल है हिंडरेंस के वजह से, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम ना करके बेस के जैसा काम करेगा और इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और मेजर प्रोडक्ट यहाँ अल्कीन बनेगा, ऐसा उधर से अपना वो सब निकलेगा CH3OH KCl वगैरह कुछ भी। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट आइसोब्यूटाइलिन, समझे। फिर इसे लिखोगे कि इन केस ऑफ फिनाइल एंड एराइल हेलाइड्स, इन केस ऑफ फिनाइल एंड एराइल हेलाइड्स SN2 रिएक्शन कांट अकर ड्यू टू पार्शियल, ऐसे ड्यू टू CX पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकाउज ऑफ रेजोनेंस। ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ हम कोई अल्कोक्साइड लिए और यहाँ हेलोबेंजीन लेकर के रिएक्शन करवा दिए कि ये बाहर यहाँ नहीं होगा भाई ऐसा रिएक्शन। वजह कि यहाँ क्लोरीन पे लोन पेयर है, उल्टा इसका लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर टूटेगा नहीं आसानी से, SN2 रिएक्शन कैसे होगा। सेम विनाइल में भी है ऐसा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा तो इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना, ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो यहाँ भी आएगा, इसमें भी तुम तोड़ के हटाना चाहोगे तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, सवाल ही नहीं। तो ये है इसका लिमिटेशन कि किसी भी तरह का इथर भले ही बना सकते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस से, लेकिन हेलाइड में यहाँ काफ़ी सोच समझ के हमें लेना है। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड बिल्कुल नहीं लेंगे और एराइल विनाइल के साथ रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल विलियमसन सिंथेसिस SN2 को फॉलो करता है। बस ये था 11.25, इतना पूरा बात लिखोगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे
11.26 में पूछा है कि हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन वन ऑल, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. प्रोपेन वन ऑल को कन्वर्ट करना है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन में अलोंग विथ मैकेनिज्म. मैकेनिज्म के मदद से वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है हमें प्रोपेन वन ऑल से. तो देखो अल्कोहल से इथर कैसे बनता था, वही डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन करके बनता था ना. दो मोल प्रोपेन वन ऑल लिया जाए, टेम्परेचर वगैरह का ध्यान रखना होता था, शायद 413 केल्विन हम लोग लेते थे तब जा कर के ईथर बनता था. 443 पे अल्किन बनता था, 413 केल्विन लेने पे जो है शायद ईथर का फॉर्मेशन होता है. टेम्परेचर वाला बात एक बार देखोगे इतना ही होता है. AH2 यहाँ से बाहर होगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 ऐसे. अब इसके लिए मैकेनिज्म लिख दो. मैकेनिज्म तीन स्टेप में होता था ना. स्टेप वन कि वह जो एसिड हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कंसंट्रेटेड होता है, तो कंसंट्रेटेड होगा तो पार्शियल डिसोसिएशन होगा और बाइसल्फेट और H प्लस बनेगा. उसके बाद इसका प्रोटोनेशन CH3 CH2 CH2 OH प्रोटोनेशन होगा इसका ऐसे, और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा. स्टेप रिवर्सिबल है, CH3 CH2 CH2 OH H ऐसा एन प्रोपाइल ऑक्सोनियम आयन हाईली अनस्टेबल चीज़ है, ऐसा. सेकेंड स्टेप में क्या होता था, स्टेप टू में कुछ ऐसा, वहाँ से H2O निकलेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस पर, CH3 CH2 CH2OH अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन वन ऑल. दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, देख रहे हो. तो एक तो बना दिया ऑक्सोनियम आयन, दूसरा बचा हुआ है जो अभी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करने वाला है, ऐसा है. ऑक्सोनियम आयन हाईली अनस्टेबल चीज़ है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज की वजह से, तो ये ऑक्सीजन जो है तुरंत से इधर बगल वाली बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, मतलब कहीं ना कहीं अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बनने वाला है. तो यह जो दूसरा ऑक्सीजन पे लोन पेयर लिए बैठा है न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और तुरंत से इस पर अटैक करेगा. अगेन ऑक्सोनियम आयन ही बनने वाला है, फिर से ऑक्सोनियम आयन ही बनेगा. ये ऑक्सीजन से अटैक किया है ना, तो जुड़ेगा, देखना कैसा है. CH3 CH2 CH2O H CH2 CH2 CH3 ऐसा. दो लोन पेयर था, एक लोन पेयर से तो अटैक करा इसने, एक बचा, हाइड्रोजन भी बच गया और उसी की वजह से प्लस भी आ गया. अगेन ऑक्सोनियम आयन ऑप्शन पे प्लस ही बना है. फाइनली उसका डिप्रोटोनेशन हो जाता था स्टेप 3, उसका डिप्रोटोनेशन. ओ यहाँ जुड़ा हुआ है H, ऐसे डिप्रोटोनेशन हो जाएगा. यहाँ से हाइड्रोजन का ले लेगा या इलेक्ट्रॉन, माइनस H प्लस, एसिड का पार्ट है, H प्लस यहाँ तुम शामिल किए ना, ये निकल जाएगा एसिड कैटलिस्ट वाला और ये बन जाएगा ऐसा. यही करना था इसमें. तीन स्टेप का मैकेनिज्म होता है. स्टेप वन में अल्कोहल का जो दो मॉलिक्यूल है उसमें से एक का प्रोटोनेशन होकर के ऑक्सोनियम आयन बनेगा. अब चूंकि ऑक्सोनियम आयन हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है, इसीलिए वह क्या करेगा,
कि H2O लूज करेगा, जैसे ही H2O लूज करेगा कार्बन पे प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब चूंकि सेम रिएक्शन मीडियम में और भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बाकी के जो बचे हुए अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे, तुरंत से SN2 अटैक होगा, यहाँ तुरंत से बैक अटैक SN2 अटैक होगा, प्राइमरी है ना दोनों, SN2 अटैक होगा प्राइमरी है, और जा करके वहाँ से अगेन ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फाइनली या ऑक्सोनियम आयन प्रोटोन लूज करेगा, देन यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ईथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.27, में भी इसने पूछा है कि ईथर का प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से यदि हमें ईथर बनाना है तो वहाँ हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ है 11.27 में। 11.27 के प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट ए सुटेबल मेथड गिव रीजन। अभी मैकेनिज्म इसका हम लिखे थे, है ना, इसका मैकेनिज्म अभी हम लिखे थे, ऐसा करें कि 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग ले लें, ठीक, ऐसा कोई टर्शियरी अल्कोहल ले लें और इस तरह से हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करके ईथर दिखाएं, ऐसे यही कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है यहाँ कि दोनों ईथर बने, कैसे नहीं, तो मैकेनिज्म से ही इसको एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले हो क्या रहा था, प्रोटोनेशन हो रहा था ना अल्कोहल का, ऐसे प्रोटोनेशन हो रहा था सबसे पहले, OH2 यहाँ प्लस, अब दिक्कत यहाँ पे आने वाला है, समझोगे पूरी बात को, प्लस इस पे दिए अल्फा है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का आप लोगे ऐसा, जो कि यहाँ एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब दिक्कत यहाँ आने वाला है, चूँकि रिएक्शन यहाँ SN2 फॉलो करता है, अब SN2 फॉलो करेगा तो देख लो 3 डिग्री है, हाईली हिंडर्ड अल्फा कार्बन, हिंड्रेंस है ना, अगल बगल बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करने से रहा, ये तो निकलेगा ऑक्सोनियम आयन को निकलेगा, लेकिन ये यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, वजह इसका हिंड्रेंस है, तो करेगा क्या कि बीटा कार्बन जो है इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ नहीं जा पाएगा, बदले में यहाँ जाएगा, ये वाला बोन यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, ये डबल बोन यहाँ आ जाएगा, ईथर बनने से रहा, देखो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा H2O बाहर होगा और ये हाइड्रोजन जा करके इधर जुड़ करके फिर से ऑक्सोनियम आयन बनेगा जो वापस अल्कीन ही बनाने वाला है, समझे। तो यहाँ से ऐसे लिखोगे कि द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाई एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो SN2 पाथ, एंड सिंस SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सो इफ यू यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाई एसिड डिहाइड्रेशन, अल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन स्टेड ऑफ ईथर, ठीक है, और ऐसे करके कोई रिएक्शन दिखा दोगे, बात खत्म। तो 11.27 तक हमने कर लिया आज के इस लेक्चर में, बाकी के कुछ ही क्वेश्चंस और हैं, एक दो लेक्चर चलेगा इसका, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग इसके लिए, MCQ क्वेश्चन जो पिछला चैप्टर में जैसे हमने करा था वैसे यहाँ से भी होगा। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करें, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे आगे, धन्यवाद।